तो दोस्तों आज जो है मैं आपको लेके चलता हूँ कोटाबाग। चलें फिर सर। बिल्कुल सर, आ जाइए, गाड़ी तैयार है आपके लिए। ओके तो दोस्तों चलते हैं। देख सकते हैं ये पूरा साल फॉरेस्ट है और इसके बीच में आप देख रहे होंगे रोहिणी के भी प्लांट काफ़ी ज़्यादा है। ट्री देख सकते हैं यहाँ पर जो है, हाथी का भी बहुत ज़्यादा रहता है। जहाँ जहाँ ये प्लांट हैं तो वहाँ पर हाथी भी अमूमन दिखता ही है। देख सकते हैं कितना शानदार फॉरेस्ट है। तो दोस्तों देख सकते हैं सामने सांबर डियर का पूरा झुंड है। अमूमन यहाँ पर जो है सांबर डियर कम ही दिखता है और आगे देख सकते हैं इतने सारे फीमेल सांबर डियर हैं, इतने शानदार। और देख सकते हैं दोस्तों रास्ते बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, देख सकते हैं। अभी जो है फिर से उठाना पड़ेगा। हम मंदिर पहुँचने ही वाले हैं लेकिन रास्ते में थोड़ी अड़चन आ गई है। वहाँ पर जो है पेड़ की शाखाएँ गिरी हुई है तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मंदिर से आगे तो अभी हम नहीं जाएंगे, अपना प्लान कैंसिल करते हैं और वापस चलते हैं। गाड़ी फंस जाएगी, छोटी गाड़ी अपनी। दोस्तों मंदिर में पहुँचने ही वाले थे कि सिद्धेश्वर मंदिर में, अब गाड़ी का है नहीं, गाड़ी फंस जाएगी तो हमें वापस जाना पड़ रहा है। चलो एक और रास्ता है, हो सकता है यहाँ से, देखते हैं, हो सकता है यहाँ से है जाने का रास्ता। चलो इस तरफ से। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए सिद्धेश्वर मंदिर और मैं आपको दिखाता हूं। ये देख सकते हैं ये है सिद्धेश्वर टेम्पल, काफ़ी प्राचीन कालीन है, काफ़ी भव्य तो नहीं है, काफ़ी प्राचीन कालीन है। तो ये देख सकते हैं काफ़ी शानदार है दोस्तों। ये देखिए इस तरफ रिवर बह रही है तो उसकी आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही हो, तो ये ऐसा है कुछ। और आपको मैं एक विचित्र चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये जो आप देख रहे होंगे मंदिर के यहाँ पर खंड, ये जो बने हुए हैं गोल गोल, ये कत्यूरी टाइम पीरियड के हैं। ये देख सकते हैं इनकी नक्काशी और ये देखिए, और पूरा का पूरा साल फॉरेस्ट के बीच में है ये टेंपल। तो दोस्तों मंदिर जो है आस्था का प्रतीक है और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी बज रहे हैं शाम के 4, काफ़ी शानदार है। और अभी थोड़ा हम यहाँ पर बैठेंगे और पूजा पाठ चलेगी, उसके बाद हम चलते हैं अपने घर की तरफ को। ये देखिए दोस्तों काफ़ी शानदार है टेंपल, काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी शांत है। यहाँ पर मंदिर के जस्ट बगल पे देख रहे होंगे वाटर बॉडीज़, काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर ये वट वृक्ष देख रहे हैं, किसकी जो शाखाएं देख रहे होंगे, इतना शानदार है। तो दोस्तों फाइनली हमने पूजा पाठ कर ली है, दर्शन हो गए हैं और अब हम चलते हैं अपने गंतव्य की ओर। तो काफ़ी शानदार था, काफ़ी नेचुरल जगह है, प्रकृति के बीच सिद्धेश्वर टेम्पल। तो ये देखिए नील गाय दोनों फीमेल हैं और काफ़ी शानदार है, हमको देख रहे हैं। ये देखिए दोस्तों फाइनली में हम पहुंच गए हैं कोटाबाग शात। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये फॉरेस्ट है, ये पूरा साल फॉरेस्ट है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये आप देख रहे हैं बड़ का पेड़ और इसमें इतनी सारी लताएं देख रहे होंगे। ये इस तरफ पर जो है ये देख रहे हैं जो चेयर लगे हैं खाना खाने के लिए हैं इस तरफ। और ये जो देख रहे होंगे इसमें आग का है, इसमें जो आग जलाते हैं आग सेंकने के लिए और बैठने के लिए बनाया हुआ बहुत अच्छा। और बैम्बू ट्री तो यहाँ पर बहुत है, ये देख सकते हैं यहाँ पर बर्डिंग का भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए बहुत सारे इधर कैंप बने हुए हैं, देख सकते हैं पूरा जो देख रहे होंगे ना ये सब साल है, अभी साल है पूरा का पूरा, अभी प्रारंभिक अवस्था में है, छोटा छोटा है। ये देखिए दोस्तों मैं जो है आपको एक और सेटअप दिखा रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं मचान है, यहाँ पर भी ठहरने के लिए है। और जो मैं भी आपको ये सब दिखा रहा हूँ ये कैंप साइट है, यहाँ कोई भी आ सकता है। आप देख रहे होंगे इस तरफ और इस तरफ ये टेंट बने हुए हैं ठहरने के लिए और हम जो है उस तरफ वाले में ठहरे हैं। तो अपना सामान पैक करते हैं और चलते हैं
घर की ओर। ये देख तो दोस्तों गाड़ी में जो है सामान करते हैं लूट, उसके बाद चलते हैं घर को। तो दोस्तों फाइनली हम जो है जाने के लिए हो गए रेडी और चलते। तो दोस्तों हम जो है गांव से लेके जाएंगे टमाटर। देखते हैं दोस्तों ये खेत के एकदम फ्रेश टमाटर हैं। ये देखिए देख रहे होंगे। तो हम पहुंच गए कोटाबाग मार्केट, देख सकते हैं। ये देखिए मार्केट काफी क्राउड है इधर।